एचसी ब्रह्मबुक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 41 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों? ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकुलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द रॉड। तो देखो, हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक रॉड है जो टोटल मिलाकर 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। यहाँ पर एक पॉइंट है और वो कहता है कि इस वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जिसका यहाँ से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और यहाँ से भी जो डिस्टेंस है वो भी 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ये डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ बच्चों, ये डिस्टेंस है वो मेरे पास आर है और ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, एक पूरा डेरिवेशन है जो डेरिवेशन आप देख सकते हैं कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करके जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ये हमारे पास निकल कर आता है। जो थीटा है वो ये हो जाएगा नीचे की तरफ, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो इस वाली ट्रायंगल से मैं देख सकता हूँ कि ये टोटल मिला के 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अगर मैं निकालूँ तो लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वो क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ के इक्वल होता है। तो चार्ज कितना है? 50 माइक्रो इन 10 पावर -6। और लेंथ कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10^-2 ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ओके चलो, तो ये लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कितनी है? 50 × 10^-6 अपॉन 10 × 10^-2। ये मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट की 1/2 πε₀r। अच्छा, आर ये है तो निकाल सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो उसको मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। सेंटीमीटर में इसे 10^-2 और कर देंगे। ऊपर देखो कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा है, तो साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस वाली ट्राइंगल से अगर निकालेंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वो कितना हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा। ओके तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो आगे ई इज इक्वल टू ये और ये, ऊपर यहाँ से 2 जीरो बचेंगे, एक से कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया मेरे पास 500। ओके और देखो 5 से ये 2 बार कटेगा, तो ये वाली जो टर्म है वो हो जाती है 1/4 πε₀, जिसकी वैल्यू मुझे पता है। एंड 1/ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 100 10 का स्क्वायर 100 − 5 का स्क्वायर 25 का रूट हो जाएगा। और देखो ई इज़ इक्वल टू एक सेकेंड, ये हमारे पास 10 10 था, ये 10^-2 बचेगा, सॉरी 5 × 10^-2 बचेगा, प्लस का 2 समझ के मैंने इसको 500 कर दिया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 5 × 10^-2 और इसकी वैल्यू 9 × 10^-9 और यहाँ से 1/75 बचेगा। 75 को मैं लिख सकता हूँ, जब इसको हम ओपन करेंगे तो 25 × 3 का रूट, तो 25 का रूट हम निकाल सकते हैं। आगे सॉल्व कर लेते हैं चलो इसको, तो ये 5 × 9 × 10^7 तो पावर्स का हो गया, यहाँ बच गया मेरे पास 5, बाहर आ जाएगा 25 का रूट और √3 बच गया। 5 से 5 कटा, √3 से ये मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा, 3√3 कितना होगा? 3√3, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है × 10^7। तो इसकी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अप्रॉक्स 5.2 × 10^7 न्यूटन पर कूलम निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन में? कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो कहता है कि एक रिंग है
ये हमने लेट कर लिया कि हमारे पास रिंग है और एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली कंसीडर कर लिया कि इस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, और टोटल चार्ज लेट कर लिया इस पर कि कैपिटल क्यू है। ये इसकी एक्सिस हो गई और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई आर। ये जो डिस्टेंस है एक्स में लेट कर लिया मैंने, और इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से निकालनी है और फिर उसको मैक्सिमम देखना है कि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी। तो यहाँ से देखो मैंने छोटा सा पोर्शन लेट कर लिया जिस पर डी क्यू चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये एंगल मैंने लेट कर लिया थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा, दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, ई कॉस थीटा इधर और इसके परपेंडिकुलर ई साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लेट कर लेता हूँ डी क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई इधर हो जाएगी क्योंकि सेम डिस्टेंस रहेगा। ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट हो जाएगा। ये भी मेरे पास एंगल थीटा बनेगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, इधर की तरफ ई कॉस थीटा में और इधर की तरफ ई साइन थीटा में। ई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी जिसको मैं ई आर कह सकता हूँ, वो इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन फोर पाई, पहले मैं इस वाले की वजह से निकाल रहा हूँ इसको, तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू क्या बच्चों हमारे पास कॉस थीटा है, तो इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन है बच्चों एक्स और हाइपोटेन्यूज कौन है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो आगे देखो किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचेगा मेरे पास है ना, बाकी का एक्स कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो निकल कर आएगी, और इधर बच जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी स्क्वायर से पावर कट गई, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन बाई टू, तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, थ्री बाई टू, इसकी पावर मैंने लिख दी बच्चों थ्री बाई टू, ये मेरे पास ई आर आया। अब टोटल चार्ज कितना माना मैंने, क्यों माना, तो जो ई आर है मैं कह सकता हूँ किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आ गई मेरे पास इसकी एक्सिस पर इस वाले पॉइंट पर। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम होगी, अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी मैक्सिमम क्या होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो निकल कर आएगी, 100 200 जितनी भी आएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, और अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो फॉर ई आर इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि मैक्सिमम का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं ई डी आर अपॉन डी एक्स करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से डी अपॉन डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है तो इसका तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे नहीं, तो बचा क्या, एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू बचा, यहाँ से इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और इक्वल टू किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो चलो, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर ले लिया, अब मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है इसका और इसका। तो देखो ये जो फंक्शन बना, ये फंक्शन बना मेरे पास, ऊपर वाला मैंने u कंसीडर कर लिया, नीचे वाले को मैंने v कंसीडर कर लिया, और फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन d अपॉन dx
यू अपॉन वी का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू, फिर माइनस करके यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी एंड डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर। तो इस फॉर्मूले को मुझे फॉलो करना है। तो देखो वी एज इट इज, तो वी कौन है मेरे पास, ये है, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3। वाई को मैंने सेम रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ यू, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। माइनस करके फिर यू यानी एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, वी का करेंगे। तो देखो इसकी पावर 3/2 आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे तो 1/2, फिर एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2x = 0। तो ये वाली टर्म तो मेरे पास 0 में चली जाएगी, ठीक है, तो ये वाली टर्म तो 0 में पहुंच गई। अब इस वाली टर्म को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, तो पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ, ठीक है। इस वाले 2 से वाला 2 कट जाएगा तो x * x क्या बचेगा, दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो x² प्लस का हो जाएगा, दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ तो x² हो गया। और क्या बचा यहाँ से, 3 बच रहा है, 3r² + x² x² है 1/2 = ये है इधर की तरफ, तो इसको लिख लेते हैं r² + x² की पावर 3/2। अब इससे ये इसकी पावर 1 बार कट जाएगी तो ये बचा 3x² = यहाँ से क्या बचा, r² + x की पावर 1, ठीक है, हाफ से 3/2 1 बार कटेगा। तो देखो ये x² इधर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x² = r², और यहाँ से मुझे x चाहिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/√2, ठीक है, प्लस माइनस r/√2 हम इसको कह सकते हैं। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस पर मेरे पास जो dr है, इस डिस्टेंस पर er की वैल्यू, सॉरी, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। नंबर 43 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन एंड ए टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। यू मे आंसर दिस पार्ट विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो जो ये चीज़ ने दी है, ये बहुत अच्छी चीज़ दी है, विदाउट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ये करना है, कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से करेंगे तो बहुत बड़ा ये हो जाता है, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो क्या करना है, ये रेगुलर हेक्सागन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, डेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है और इसके सेंटर पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। और कहते हैं कि क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब जितना चार्ज इसके एक आर्म पर है उतना ही दूसरी आर्म पर भी सेम चार्ज है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं, तो देखो लाइक ये एक वायर की तरह काम कर रहा है, ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा ऐसे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो हमने देखा था एक सिंपल वायर की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आती थी वो इस डायरेक्शन में ऐसे आती थी, और इस वाले पोर्शन की वजह से ऐसे आएगी, तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे इस वाले की वजह से इधर, इस वाले की वजह से इधर कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वाले की वजह से इधर, इस वाले की वजह, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं क्योंकि सिमिट्री बन रही है तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है बच्चों, 0 आ जाती है। और 42 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, ए स्मॉल लेंथ डीएल ऑफ द वायर इज कट ऑफ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर। तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है बच्चों ए, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये टोटल चार्ज है इस पर प्लस का क्यू। अब ये कहता है कि इसमें से छोटा सा पोर्शन हमने कट कर दिया, स्मॉल लेंथ डीएल हमने यहाँ से कट कर दी, तो कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन। देखो अगर ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस पूरे रिंग की वजह से निकालूं तो
इस पूरे रिंग की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो आती है, लेकिन मुझे केवल छोटा सा पोर्शन यहाँ से इन्होंने कट किया जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक मुझे दे दी है dl, इस dl की वजह से निकालूंगा, वही रिमेनिंग की वजह से हो जाएगी, क्योंकि बाकी के अपोजिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल कैंसिल आउट जो नहीं होगा इस वाले पोर्शन का, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी वो मुझे यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर डी क्यू चार्ज निकालूँ, इस छोटे से वायर पर जो टोटल चार्ज होगा डी क्यू वो निकालूँ, तो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, लैम्डा इंटू डी एल के इक्वल। और यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो क्यू अपॉन टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2πa इंटू डी एल है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू अपॉन 4πε एप्सिलॉन, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना a का स्क्वायर हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4πε एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अच्छा डी क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी क्यू की वैल्यू कितनी है वो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू कितनी आई बच्चों, Q अपॉन 2πa इंटू डी एल, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 8πa स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब और इंटू डी एल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 45 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम इट्स सेंटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेज अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस। ओके, तो बच्चों हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग क्यूब है और इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया प्लस का क्यू। तो देखो अगर मैं इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूँ कि जो इनसाइड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो कह सकता हूँ कि E इंड्यूस्ड चार्ज होगा या चार्ज अपीयर्स ऑन इट सरफेस, जिसको मैं इंड्यूस का नाम दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है डी, तो कितना हो जाएगा बच्चों वो के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है कंडक्टर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड प्लस के क्यू बाई आर स्क्वेयर। और हमसे क्या पूछा है, चार्जिंग अपीयर्स ऑन इट सरफेस। तो अगर मैं ई इंड्यूस्ड निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। इतना मेरे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब देखो माइनस का चार्ज यहाँ पर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ आएगी, नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज क्यू।